चिड़ियाघर को राला मंडल में शिफ्ट करने को लेकर चल रहे प्रस्ताव पर वन विभाग ने हाथ खींच लिए हैं। अब इंदौर नगर निगम तय करेगा कि चिड़ियाघर कहां रहेगा। नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च कर चिड़ियाघर को सवारा है। अचानक चिड़ियाघर को राला मंडल ले जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। आज राला मंडल पहुंचे वन विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने पहले दौरा किया, उसके बाद मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर कहां रहेगा ये इंदौर नगर निगम तय करेगा। इसके पूर्व कल वन मंत्री ने कहा था कि चिड़ियाघर को शिफ्ट किया जा सकता है, जिस पर पूर्व महापौर व विधायक मालिनी गौड़ ने आपत्ति ली है। गौड़ ने कहा कि ये शहर की जनता के साथ अन्याय होगा। हमारी परिषद ने यहाँ न केवल करोड़ों के विकास कार्य किए हैं, बल्कि नेशनल जू अथॉरिटी से इसको मास्टर प्लान में शामिल भी करवाया है। सी, हम लोग ये देखने आए थे कि एक तो राला मंडल को किस तरीके से डेवलप किया जाए, जिससे वो इंदौर के लोगों के लिए एक अच्छा स्पॉट बने और साथ ही लोगों का प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उसको हम बढ़ा सकें। और दूसरी बात जो थी, एक बात चली थी जू के बारे में कि क्या जू को शिफ्ट किया जाए राला मंडल में, तो उसमें हम लोगों का यही विचार है अभी सब लोगों से कि जब नगर निगम जैसा चाहेगी उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो सर, ये जो शिफ्टिंग वाला है ये किस रीज़न से अभी? आई डोंट नो, एक प्रस्ताव आया था तो इसलिए उसका पूरा जो पूरी समीक्षा हम लोगों ने की है। और आखिरकार यही है कि चूँकि नगर निगम चला रही है और ये स्थानीय प्रशासन का ही क्षेत्र है, तो जैसा स्थानीय प्रशासन चाहेगा, जैसा नगर निगम चाहेगा वैसा होगा। सर, नगर निगम का क्या मंत्रालय है? वन विभाग जो है वो नगर निगम के सहयोग के लिए है। ठीक है।